गुड मॉर्निंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैदा आज आपको शारीरिक विकलांगता में दृष्टि बाधिता वाले बालकों के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, क्या देखा था, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जिनको हमने कितने भागों में बांटा था, चार भागों में बांटा था बच्चों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को हमने चार भागों में बांटा था, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इसमें जो शारीरिक आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनमें सबसे पहला आपके बच्चे आते हैं दृष्टि बाधित बालक। कौन से आते हैं बच्चों? दृष्टि बाधित बालक आते हैं। इसके अलावा अस्थि बाधित, वाक बाधित, अस्थि बाधित, वाक बाधित, लिखने में असक्षमता वाले बालक, भाषाई अक्षमता वाले बालक, सीखने की निर्योग्यता वाले बालक, कई प्रकार धीमी गति से सीखने वाले बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी अधिगम आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है, और अधिगम आवश्यकताओं को पूरा शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, तकनीकों का उपयोग करना है, तो इसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दृष्टि बाधित बालक कौन कौन से होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दृष्टि बाधित बालकों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं, परिभाषा। तो दृष्टि बाधित बालक जो देख नहीं पाते या जिनको देखने में कठिनाई अनुभव होती है, जो देख नहीं पाते और जिनको देखने में कठिनाई अनुभव होती है वो बच्चे दृष्टि बाधित बालकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम दृष्टि बाधित बालकों की बात करें बच्चों, तो दृष्टि बाधित बालक वो बालक होते हैं जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको देखने में कठिनाई अनुभव हो रही है, वो बालक दृष्टि बाधित बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपके दृष्टि बाधित बालक है उनको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो कुछ बालक, अब आपने ये वर्गीकरण दो भागों में कर दिया, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित और गंभीर रूप से दृष्टि बाधित। तो क्या होते हैं दृष्टि बाधित बालक? वे बालक जो देख नहीं पाते, जो देखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, जो जन्म से नहीं देख पाते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद किसी चोट दुर्घटना के बाद जो है वो नहीं देख पा रहे हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, कई बच्चे पास की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, वो बच्चे दृष्टि बाधित बालक की श्रेणी में आते हैं। अब है दृष्टि बाधित बालकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, एक है आंशिक रूप से दृष्टि बाधित और दूसरा है गंभीर रूप से दृष्टि बाधित। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित वो होते हैं जिनका 20.70 तक या इससे कम की देखने की क्षमता होती है, मतलब कुछ कुछ वो देख पाते हैं, देखने में कठिनाई अनुभव की करते हैं, लेकिन उस कठिनाई को हम चश्मे के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दूर की वस्तु, पास की वस्तु को वो बच्चे अच्छे से नहीं देख पाते, ऐसे बच्चों को हम आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक कहते हैं। और ऐसे बालकों को हम सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में समावेशित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जब दृष्टि बाधित बालक की पहचान की कि बालक पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा, बालक दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा, लेकिन उनको समस्या को दूर करके उनकी अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो हमने एक प्रकार देखा आंशिक रूप से दृष्टि बाधित। गंभीर वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल ही जिनकी आंख जो है
से वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं, रोड क्रॉस करने में किसी भी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और जिनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, जिनके अक्षर उभरे हुए होते हैं और उन अक्षरों को केवल पहचान करके, उनके ऊपर हाथों से स्पर्श करके वो शब्दों को पहचान पाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, बच्चे वो होते हैं गंभीर दृष्टि बाधिता वाले बालक। ऐसे बालकों को अलग से शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए हमने विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान किया था। लेकिन जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित है, उनको सामान्य कक्षा या सामान्य शिक्षा या समावेशित शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो दृष्टि बाधित बालकों को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। इनको साथ में लिखते रहना, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित और गंभीर रूप से दृष्टि बाधित। अब बात आती है कि ये दृष्टि बाधिता के कारण क्या है, नेत्रहीनता का कारण क्या है। तो नेत्रहीनता जन्मजात होती है, कई बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं। जन्म से अंधे होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, चोट या दुर्घटना। मान लो किसी चोट, किसी बच्चे को चोट लग गई, गिर गया, छत से गिर गया, खेल कूदते समय कोई नुकली चीज चुभ गई, तो इसके कारण भी जो है बच्चा क्या हो सकता है, बच्चा, बच्चे की आंख जा सकती है। मान लो किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भी उसकी आंख जा सकती है। कोई गलत दवाई ले ली, जहरीली दवाई ले ली, नीला तोता ले लिया, पैंट मुंह में ले लिया, पैंट जो है आंखों में चला गया, तो भी बच्चे की दृष्टि में बाधिता। और आज हमारे देश में जो दृष्टि बाधिता, जो आंशिक दृष्टि बाधिता है, आजकल के 50% बच्चों में आपको दृष्टि बाधिता, जो कि आंशिक दृष्टि बाधिता है, वो देखने को मिल सकती है। क्यों? अभी कोरोना के काल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उसमें स्क्रीन जो होती है आपकी मोबाइल की, वो भी बच्चों की आंख पर बुरा असर कर रही है। इसके अलावा बच्चे आजकल जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती जा रही है, बच्चा क्या कर रहा है, टीवी, मोबाइल, इन चीजों में व्यस्त हो रहा है, सामाजिकता से बच्चा दूर हो रहा है। तो ये आंशिक दृष्टिहीनता आजकल ज्यादातर बच्चों में देखी जा रही है, और कोरोना ने इस दृष्टि बाधिता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो साधारण बीमारी, किसी बीमारी की वजह से भी आंखों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आंखों का हमारे मन से और हमारे, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जिन बच्चों को शुगर जैसी बीमारियां हैं बच्चों, उनमें भी दृष्टि बाधिता का दोष आ सकता है। तो दृष्टि बाधिता के कारण पहला जन्मजात, दूसरा चोट या दुर्घटना, तीसरा दवाई, जहरीली वस्तु, नीला तोता, पैंट, अगर ये सब चला जाए तो भी क्या होगा, तो भी दृष्टि बाधिता आ सकती है, नेत्रहीन या अंधा बच्चा हो सकता है। साधारण बीमारी के कारण भी दृष्टि में बाधिता आ सकती है, देखने में कठिनाई अनुभव हो सकती है। शुगर जैसी बीमारी वाले जो बच्चे हैं, उनको भी ये रोग हो सकता है। अब बात आती है बच्चों, क्या पहचान, हम कैसे पहचान करेंगे कक्षा में कि इस बच्चे को दृष्टि बाधिता है, देखने में कठिनाई अनुभव हो रही है, पास की वस्तु दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो एक शिक्षक जब क्लास में होता है, तो वो किन किन चीजों को पहचान करके बता सकता है कि इस बच्चे में दृष्टि बाधिता का दोष हो सकता है। अगर कोई बच्चा रंगों को नहीं पहचान पा रहा है, इसका मतलब है उसमें दृष्टि बाधिता का दोष हो सकता है। बार बार आंख मलते हैं, आप जानते हो कई बच्चे क्लास में बार बार में आंखों को मसलते हैं, तो इसका मतलब है उसके आंख में कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। चकाचौंध, ज्यादा रोशनी में उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, कम रोशनी में उनको जोर लगा करके देखना पड़ रहा है। जब कमरे में उचित रोशनी नहीं होती, तो बच्चा ढंग से नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें दृष्टि बाधिता का दोष हो सकता है। वस्तुओं को निकट से देखना
आप सब जानते हैं कोई बच्चा बुक को उठा करके उसको बिल्कुल पास से लाकर देख रहा है, इसका मतलब है वो पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। कई वस्तु जो दूर रखी हुई है उसको पास जाकर देख रहा है, तो इसका मतलब है उसमें दृष्टि बाधिता का दोष आ सकता है। तो वस्तुओं को निकट से देखना, इसका मतलब है उसमें दृष्टि बाधिता है। आंखों पर जो आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर या शाम पट पर लिखता है और बच्चा आंखों को जोर लगा करके देख रहा है, मतलब आंखों को या तो बिल्कुल बड़ा करके देख रहा है या आंखों को बिल्कुल सिकुड़ के देख रहा है, तो इसका मतलब है उसमें दृष्टि बाधिता का दोष आ सकता है। छोटी करके देखना वही बात है, शाम पट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई। आप जानते हो बार बार बच्चा आपसे पूछ रहा है, मैम ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों को पढ़ नहीं पा रहा है, बड़े अक्षरों को आसानी से लिख रहा है, छोटे अक्षरों को लिखने में कठिनाई हो रही है, सहपाठी की कॉपी में से देख करके लिख रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है कि बच्चे में दृष्टि बाधिता हो सकती है। आंखें छोटी व बड़ी करके देखना और थोड़ा सा भी आंख पर जोर डालने पर आंख से पानी बहना, ये सब दृष्टि बाधिता रोग की पहचान है। कि अगर बच्चा रंगों की पहचान नहीं कर पा रहा है, बच्चा बार बार आंखों को मसल रहा है, बच्चा ज्यादा रोशनी में उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, वस्तुओं को ज्यादा निकट से देख रहा है, आंखों पर जोर डाल रहा है और बार बार कक्षा में सिर में दर्द होने की शिकायत करता है, आंखों पर दर्द होने की शिकायत करता है, आंखों को छोटी करके देख रहा है, शामपट पे लिखे हुए में कठिनाई अनुभव हो रही है, आंखें छोटी बड़ी करके देख रहा है या थोड़ा सा आंखों पर जोर डालने पर पानी बहने लग जाता है, तो बच्चों इसका मतलब है कि बच्चा दृष्टि बाधित रोग का शिकार है, उसको देखने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो इस प्रकार जो है दृष्टि बाधित बालक की क्या कर सकते हैं बच्चों, पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों रोकने के उपाय कि हम दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, उनके रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आपने देखा किसी बच्चे के चोट या दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं, जन्मजात अंधा है उसका इलाज करवाया जा सकता है, किसी का जन्म से ही उनकी आंखें कमजोर होती है, तो उन बच्चों को अगर हम चश्मा लगवा दिया जाए तो वो रंगों की पहचान करने में कठिनाई अनुभव नहीं कर पाएंगे और बच्चा अधिगम कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग। आपने देखा कि जो गंभीर जिनमें दृष्टि बाधिता है, जो बिल्कुल नहीं देख पा रहे बच्चों, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अपने दैनिक जीवन या इस समाज में अपना जीवन यापन कर सके। आगे आता है आंखों के बचाव से संबंधित जानकारी। आंखों से संबंधित जानकारी जो है वो दी जा सकती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आंखों के बचाव से संबंधित जानकारी, दीपावली होली, आपको पता है दीपावली पर पटाखों की आवाज आती है, ठीक है। इसके अलावा होली में रंगों का उपयोग किया जाता है। आपको पता है जब बच्चा पटाखे छुड़ा रहा है तो पेरेंट्स उनके साथ में नहीं होते, तो कई बार पटाखों की जो लो है वो उसकी आंख में चली जाती है, तो पटाखे छोड़ते समय दीपावली के टाइम बच्चों को पटाखों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो उसको किसी भी दुर्घटना में डाल सकता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए दीपावली पर छोटे छोटे बच्चों को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों सूर्य ग्रहण। आपको पता है अभी हुआ है, थोड़े दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ है। सूर्य ग्रहण क्या होता है पहले तो देखो, सूर्य ग्रहण का मतलब यहाँ पे क्या है, ये तीन गोले ध्यान रखना, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है
इसको बोलते हैं बच्चों चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय हमें बिना किसी स्पेशल चश्मे के सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय की जो लो है वो आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण करते समय जब होता है तो बच्चों, बड़े बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की मनाही होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी सूर्य ग्रहण का नेगेटिव असर पड़ता है। और हमारी मान्यता भी है कि सूर्य ग्रहण से जो नेगेटिविटी निकलती है वो नेगेटिविटी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप जानते ही है क्या होती है, ईश्वर की आराधना। तो हम सब जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी मान्यताएं हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो भगवान के पूजा पाठ करने चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय बच्चों को बिना चश्मे के बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों नुकीले खिलौने। कई बार छोटे बच्चे नुकीले खिलौनों से खेलते खेलते उनकी आंख में चुभ जाता है और ये आंख में चुभने के कारण कई बार वो दृष्टिबाधिता रोग के शिकार हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चश्मे का प्रयोग करवाना चाहिए। अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करवाना चाहिए। आंखों के बचाव से संबंधित बच्चों को जानकारी देनी चाहिए कि जब हम होली खेल रहे हैं तो उस समय हमें जो केमिकल युक्त जो रंग है उनसे होली नहीं खेलनी चाहिए, जो प्राकृतिक रंग है उनसे होली खेलनी चाहिए, क्योंकि होली के केमिकल्स की जो रंग है वो आंखों में जाने के बाद आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सूर्य ग्रहण, नुकीले खिलौने। सूर्य ग्रहण के समय जो है बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बच्चों को सीधे सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य की जो रोशनी है वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर है नुकीले खिलौने से बच्चों को नहीं खेलते रहना चाहिए, उनको समय समय पर ऐसी जानकारी दे देनी चाहिए ताकि वो इनसे बचाव कर सके। तो दृष्टिबाधिता को कम करने के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। अब बात आ गई बच्चों कि जब शैक्षिक सुविधाएं उनको क्या दी जाए कि दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों के साथ समावेशन कर सके, अपनी अधिगम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, तो इसके लिए क्या क्या सुविधाएं उनको अवेलेबल करवानी चाहिए। अब आपने देखा कि जो गंभीर बच्चा है उसके लिए विशिष्ट शिक्षा है, तो विशिष्ट उसका क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, पाठ्यक्रम उनका अलग होना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो गंभीर पीड़ित है, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और विशेष अगर सामान्य अध्यापकों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन के जो शिक्षार्थी है या बीएडधारी है, स्पेशल एजुकेशन में अगर वो बीएड करते हैं तो उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि ब्रेल लिपि से जो पढ़ने वाले बालक है उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो एक सामान्य जो टीचर है वो इस बात को नहीं समझ सकता या ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सरकारी नियमों व संस्थाओं का सहयोग। आप जानते हैं हमारे समाज आय की विषमता से घिरा हुआ है, कई बच्चे आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं, तो जो चश्मे नहीं बनवा सकते उनके लिए चश्मे की व्यवस्था करवाना, इसके अलावा उनको बार बार में चिकित्सकीय परामर्श देना, स्कूलों में समय समय पर चिकित्सकीय कैंप लगवाना, मेडिकल कैंप निःशुल्क उपलब्ध करवाना ताकि वो बच्चे अपनी आंखों का इलाज करा सके। इसके अलावा जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाकर हम उनकी दृष्टिबाधिता रोग की पहचान कर सकते हैं और इस दृष्टिबाधित बालक को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों उपयोगी कौशलों का प्रशिक्षण। अब आपने देखा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित है, गंभीर जिनमें है कि कुछ नहीं देख पाता, उनको छड़ी के सहारे चलना सिखाना, इसके अलावा छड़ी के सहारे उनको चलना सिखाना, रोड क्रॉस करना, दैनिक क्रियाकलाप कैसे करने वो करवाना, और इस तरह के क्रियाकलाप करना कि वो अंधा होने के बावजूद उन कौशलों में पारंगत हो जाए कि आगे जब समाज में
रहेगा तो समाज में अपना जीवन व्यापन कर सके, आत्मनिर्भर कर सके, उसमें एक ऐसा व्यावसायिक कौशल विकसित करना ताकि आगे जाकर के वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना जीवन चला सके, इस समाज के साथ समायोजन स्थापित कर सके बच्चों, ठीक है। फिर आता है दैनिक कार्यों की व्यवस्था। मैंने आपको बताया दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी आवासीय विद्यालय हैं उन आवासीय विद्यालयों में जो दैनिक चीजें उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको अच्छा भोजन अवेलेबल होना चाहिए, उनके जो दैनिक कार्य हैं उनकी व्यवस्था किस तरह से वो कर पाएंगे उनके लिए अध्यापकों के द्वारा उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये शैक्षिक सुविधाएं हैं दृष्टिबाधित बालकों की। तो एक बार और देख लेते हैं, सबसे पहले दृष्टिबाधित बालक किसे कहेंगे, जो देख नहीं पाते या जिनको देखने में कठिनाई होती है, जो जन्म से अंधे हैं या किसी चोट या दुर्घटना के कारण हुए हैं वो दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और गंभीर रूप से दृष्टिबाधित। आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित है वो पास की वस्तु और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, जबकि गंभीर वाले कुछ नहीं देख पाते, छड़ी का उपयोग करते हैं और ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दृष्टिबाधिता के क्या कारण है। दृष्टिबाधिता जन्मजात हो सकती है, चोट या दुर्घटना के कारण हो सकती है, दवाइयों से हो सकती है, जहरीली वस्तु से हो सकती है, नीला तोता पैंट आदि अगर आंखों में चला गया तो भी दृष्टिबाधिता हो सकती है, साधारण बीमारी के कारण दृष्टिबाधिता हो सकती है, किसी बच्चे को शुगर जैसी बीमारी है तो भी उसके दृष्टिबाधिता हो सकती है। उसके बाद आता है पहचान कैसे करेंगे, रंगों की पहचान नहीं कर पा रहा है बच्चा, बार बार आंखों को मल रहा है, ज्यादा रोशनी में उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, वस्तुओं को निकट से नहीं देख पा रहा है, आंखों पर जोर डाल रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों को छोटी करके देख रहा है, शामपट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है, आंखें छोटी और बड़ी कर रहा है, पानी बार बार बह रहा है, तो ये सब होने पर दृष्टिबाधिता की पहचान की जा सकती है। फिर है क्या रोग, चश्मे का बच्चे को उपयोग करवाया जाए, अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि कब आई थी बच्चों, ब्रेल लिपि किसने, अल्फ्रेड बेल ने जो है इसकी स्थापना की थी 1929 में और भारत में 1949 में इसका शुभारंभ किया गया था। किसका, ब्रेल लिपि का। और भारत का सबसे पहला जो नेत्रहीन विद्यालय था वो कहाँ खोला गया, देहरादून में। कहाँ खोला गया बच्चों, जो कि अब एक केंद्रीय विद्यालय का जिसको दर्जा प्राप्त है। तो पहला नेत्रहीन विद्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। तो रोकने के उपायों में चश्मे का उपयोग, अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, आंखों के बचाव से संबंधित बच्चे को जानकारी देना, दीपावली होली से संबंधित जो भी हो रहा है, दीपावली में पटाखों का यूज कर रहे हैं, होली में रंगों का उपयोग किया जा रहा है तो सावधानी पूर्वक किया जाए। सूर्य ग्रहण के समय रोशनी को नहीं देखना, नुकीले खिलौने वस्तुओं से नहीं खेलना, इन कारगर उपायों को करके हम दृष्टिबाधिता वाले बालकों की संख्या को कम कर सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चों शैक्षिक सुविधाएं, पाठ्यक्रम इनका अलग से होना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग होना चाहिए, परीक्षा नहीं होनी चाहिए, विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, सरकारी नियमों व संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए, उपयोगी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और दैनिक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन बालकों की पहचान कर सकते हैं, इनके कारणों को जान सकते हैं और ये शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करके हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि जिनको कम दृष्टिबाधिता है इन बच्चों को, इनकी आवश्यकताओं को समझकर, इनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर, इनको अधिगम सुविधा और इस बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे का मानसिक शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक रूप से विकास करना ही समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव है। तो समावेशी शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए हमें दृष्टिबाधिता बालकों की पहचान कर, इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करके क्या कर सकते हैं, हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये आप बोर्ड पर उतार लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते रहना।
कॉपी में नोट डाउन करने के साथ साथ इनको याद करते रहना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो अस्थि बाधित बालकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अस्थि बाधित बालकों के बाद वाक वाणी से पीड़ित जो बालक है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अपवंचित बालक है उनके बारे में पढ़ेंगे, पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ेंगे, और इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ के हम उसकी पहचान करके समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला नेत्रहीन विद्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है, ठीक है बच्चों। आज देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था सन 2000 में। उत्तराखंड में है, 2000 में अलग हुआ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस जो मैं आपको लिखवा रही हूँ नोट्स, उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और जो बीएड सेकंड ईयर के जो छात्र है, बीएसटीसी के जो छात्र है, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर कीजिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप सबको पता ही है, आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आगे के वीडियो बनाऊंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।